देश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सियासी माहौल बनना शुरू हो गया है। सभी दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कांग्रेस कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। यात्रा अपने 12वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू कश्मीर के 3 कार्यकर्ता भी भाग ले रहे हैं। तो चलिए हम आपको उनके नाम बताते हैं। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए शुरू हुई है। यात्रा 7 सितंबर को शुरू हुई थी। इस यात्रा में कई दिग्गज शामिल है। वहीं जम्मू कश्मीर से 3 कार्यकर्ता भी शामिल है। जम्मू कश्मीर से नेशनल स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रधान नीरज कुंदन के अलावा पार्टी के 2 कार्यकर्ता शमशेर चंद्र और विजय कुमार शास्त्री भाग ले रहे हैं। यात्रा के लिए देश भर से चयनित कुल 135 लोगों में जम्मू कश्मीर के 3 कार्यकर्ता शामिल हैं। फिलहाल यात्रा में शामिल होने पर जम्मू कश्मीर के 3 कार्यकर्ता उत्साहित महसूस कर रहे हैं। NSUI के राष्ट्रीय प्रधान नीरज कुंदन का कहना है कि यात्रा का मुख्य रूप से मकसद नफरत की राजनीति को दूर करना, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर है। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा में हम इस समय केरल में हैं। करीब 3500 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया जाएगा। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर में मैं यात्रा का हिस्सा बना हूं। इस समय बेरोजगारी के कारण युवा परेशान है। रोजगार के साधन न होने से युवाओं में निराशा बढ़ रही है।